हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपको पता है कि आज हम लोग लेके आए हैं बेंजीन का सल्फोनीकरण। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक है जहाँ पे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण धर्मों का वर्णन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन की जो केमिस्ट्री है वहाँ से ये टॉपिक है बेंजीन का सल्फोनीकरण। तो आइए जानते हैं क्या होता है बेंजीन का सल्फोनीकरण अभिक्रिया। जब बेंजीन को सहध्रुम H2SO4 या सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत कराया जाता है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बच्चों, कुछ लोगों के बच्चों के मन में ये शंका हो रही होगी कि हमने सांद्र H2SO4 तो सुना है पर सहध्रुम क्या होता है। बच्चों, ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है जिससे धुआं निकलता रहता है। अब सर, कुछ लोग कहेंगे सर धुआं क्यों निकलता है, तो मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट देता हूँ, इसको थोड़ा देखिए। सहध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सहध्रुम, इसको फ्यूमिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या मैं फ्यूमिंग बोल सकता हूँ सहध्रुम को, फ्यूम वाला, धुएं वाला। सहध्रुम या फ्यूमिंग H2SO4 इज इक्वल टू SO3 गैस यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्लस सांद्र H2SO4। बच्चों, जो हमारा जो सांद्र H2SO4 होता है इसके जल के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, यानी जल को ये बहुत पसंद करता है और जल को अपने अंदर ही खींच लेता है। तो होता क्या है कि अगर H2SO4 में जल रहेगा तो वो अभिक्रिया को आगे बढ़ने से रोक है, दिक्कत करता है। तो SO3 गैस पास करने से वो जो जल वाष्प होती है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 में बदल जाती है। तो इन शॉर्ट आप ध्यान रखिएगा, सहध्रुम H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 हमारा 100% H2SO4 होता है जिसमें जल की मात्रा नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए, यहाँ पर हमने ये एक अभिक्रिया दिखाई हुई है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में बेंजीन के साथ हमने दो अवस्थाएं दिखाई हैं, दो परिस्थितियां हैं। पहली जो अवस्था है उसमें हमने सहध्रुम H2SO4 दिखाया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने दो अभिक्रिया अलग अलग दिखाई हुई हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहली अभिक्रिया हो या दूसरी अभिक्रिया हो, दोनों में एक चीज़ की समानता है, दोनों में बन रहा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, जब बेंजीन के ऊपर आप सिंगल बॉन्ड से SO3H क्रियात्मक समूह को जोड़ देते हैं तो ये पूरा पदार्थ कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाने के लिए यहाँ पे भी दो अभिक्रियाएं दिखाई हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में थोड़ा सा दिखाने का फर्क है कि अगर आपने बेंजीन की अभिक्रिया सहध्रुम H2SO4 से कराई है तो केवल बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, लेकिन अगर आपने सांद्र H2SO4 लिया हुआ है तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और जल। क्या आपको स्पष्ट है? तो ये जो आप अभिक्रिया देख पा रहे हैं ये उदाहरण है बेंजीन के सल्फोनीकरण का। इस प्रकार बेंजीन का सल्फोनीकरण करा के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है बेंजीन से। अब लेते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो आइए देखते हैं बच्चों, बेंजीन के सल्फोनीकरण क्रियाविधि तीन पदों में होती है। तो पहला पद हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पहला पद जो लिया हुआ है, पहले पद में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति। बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील मध्यवर्ती होता है। अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है जो अभिक्रिया के मध्य में बनता है बंध के टूटने के बाद। ध्यान रखिएगा, तो पहले पद में कैसे होता है आइए जानते हैं। बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3 का संरचनात्मक सूत्र है और ये हमारा H2SO4 का संरचनात्मक सूत्र है। अब देखिए होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये पूरी आवर्त सारणी का जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें ये नंबर 2 पे आता है, जिसकी ऋण विद्युता काफी ज्यादा होती है। अब ऋण विद्युता क्या होती है? ऋण विद्युता ये होती है कि जब कोई परमाणु अपने साथ जुड़े हुए किसी कम ऋण विद्युत तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि बंध इस प्रकार टूटेगा कि जो ऑक्सीजन है वो अधिक ऋण विद्युत होने के कारण H
जो कि अत्यंत कम विद्युतीय है ओ की तुलना में। इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और धीरे धीरे बंध टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ओ की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जिस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं जाते हैं उस पे सदैव ऋणावेश आता है। अब आप सोचिए कि जब यहाँ से बंध टूटेगा तो बचेगा क्या, ओ एस ओ टू ओ एच। अब इसको मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया है, ओ एस ओ थ्री एच और ऑक्सीजन पे लगा दिया ऋणावेश, क्योंकि यहाँ पर OH के बंद इलेक्ट्रॉन O की ओर विस्थापित हुए हैं। अब बताइए कि यहाँ पर यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से H परमाणु अलग होगा। बच्चों ये परमाणु नहीं होगा, ये H आयन होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके जा चुका है। इसी समय यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पाई बॉन्ड द्विबंध होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध होते हैं, ये तल के ऊपर भी रहते हैं और तल के नीचे भी रहते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड द्विबंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस एच को देंगे और इसके साथ बंध बनाएंगे। अब देखिए हुआ क्या है, सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, देख पा रहे हैं आप द्विबंध के इलेक्ट्रॉन दिए एच को, तो ये एच जो है ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ गया है, लेकिन सल्फर की जो संयोजकता है वैलेंसी है जो बंध है वो कम हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर के चारों तरफ कुल बंधों की संख्या 6 है। आप देख पा रहे हैं 2, 4, 6, इसकी संयोजकता यहाँ पे 6 दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए 2, 3 और 2, 5, यानी कि एक बंध की कमी हुई है, एक बंध का ह्रास हुआ है। चूंकि सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो सल्फर पे आएगा धनावेश। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है ये जिसके इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर सदैव धनावेश आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है हमेशा उस पर ऋणावेश आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए थे इसलिए ऋणावेश आए, और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं एच को तो सल्फर पे आया धनावेश, एच पे आवेश नहीं आएगा क्योंकि एच का बंध बन चुका है। अब लेते हैं पद 2। पद 2 में देखिए क्या होता है, एरिनियम आयन या सिग्मा संकुल का निर्माण होता है। तो ये पद जो होता है पहले पद के बाद आता है, तो पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है हमारा। बच्चों ये जो बना है ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ई प्लस या ई कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ ई प्लस लिखा है, इसका तात्पर्य है कि हमारा अभिक्रिया मध्यवर्ती इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनियम आयन बन चुका है। तो ये सल्फोनियम आयन बन गया है। अब देखिए पद 2 में क्या होता है, पद 2 में हमारा ये बेंजीन है। आपको पता है कि बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H6। इसका तात्पर्य यह है कि बेंजीन में 6 कार्बन की एक रिंग होती है, वलय होता है, और हर एक कार्बन पे एक एच लगा होता है, और ये 3 द्विबंध होते हैं, ये एकांतरित होते हैं, अर्थात डबल सिंगल डबल, ये कहलाता है बंध एकांतरण। यानी द्विबंध जो रहेगा वो एकल बंध को छोड़ के, एक एकल बंध को छोड़ के पुनः आता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि बेंजीन में द्विबंध यानी कि पाई बंध है। मैंने बताया था कि यहाँ पे ये कुछ देखिए कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है तो मैं ऐसे घूमते रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन द्विबंध के इलेक्ट्रॉन, और इसके नीचे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, आप देख रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो मैं इसको ई प्लस लिख रहा हूँ। बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ध्यान रखिएगा धनात्मक आवेश जहाँ भी लगा होगा उसका तात्पर्य है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, आप कहीं से भी कोई भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घुमा सकते हैं जो इसके साथ बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होंगे। देखिए मैं कहाँ से दिखा रहा हूँ, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे इस सल्फर की ओर गति करेंगे और सल्फोनियम आयन के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त होगा। ये देखिए जो हमारा SO3S था ये सिंगल बॉन्ड बना के जोड़ दिया है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H जो ये पहले से ही मौजूद था ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन के जो बेंजीन रिंग के कार्बन है इनके बीच पहले द्विबंध था। आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग जानते भी होंगे पहले से, कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन 4 बंध बनाएगा। ये मतलब नहीं है कि वो सिंगल से बनाए, द्विबंध से बनाए या त्रिबंध से बनाए। तो आप यहाँ पे इस वाले कार्बन के 4 बंध गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पर अब बंध की संख्या आपको एक एच तो यहाँ पे मौजूद है, द्विबंध से यहाँ पर एक बंध कम हो गया, तो एक एच है यहाँ पर जो एकल बंध से जुड़ा हुआ है,
एक दो तीन बंद हो गए और एक बंद कम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इस कार्बन पे धनावेश आया है, क्योंकि इसका एक द्विबंध कम हो गया, यानी द्विबंध कम होने से इस कार्बन के बीच एक बंध की कमी हुई है। ये जो आयन होता है इसी को बोलते हैं एरिनियम आयन, और ये अत्यंत क्रियाशील होता है, ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है एरिनियम आयन या फिर सिग्मा संकुल। क्लियर हुआ आपको, स्पष्ट हुआ? अब देखते हैं पद तीन। बच्चों ये इस अभिक्रिया का आखिरी पद होता है, इसको और समझ लीजिए तो आपकी पूरी बेंजीन सल्फोनीकरण की क्रियाविधि स्पष्ट हो जाएगी। पद तीन में प्रोटोन निष्कासन द्वारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोन का मतलब होता है एच प्लस, यानी कि ऐसा एच परमाणु जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। जो की संख्या आपको एक एच तो यहाँ पे मौजूद है, वो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए द्विबंध से यहां पर एक बंध कम हो गया, तो एक एच है यहां पर जो एकल बंध से जुड़ा हुआ है, एक दो तीन बंद हो गए और एक बंद कम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इस कार्बन पे धनावेश आया है, क्योंकि इसका एक द्विबंध कम हो गया, यानी द्विबंध कम होने से इस कार्बन के बीच एक बंध की कमी हुई है। ये जो आयन होता है इसी को बोलते हैं एरिनियम आयन, और ये अत्यंत क्रियाशील होता है, ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है एरिनियम आयन या फिर सिग्मा संकुल। क्लियर हुआ आपको, स्पष्ट हुआ? अब देखते हैं पद तीन। बच्चों ये इस अभिक्रिया का आखिरी पद होता है, इसको और समझ लीजिए तो आपकी पूरी बेंजीन सल्फोनीकरण की क्रियाविधि स्पष्ट हो जाएगी। पद तीन में प्रोटोन निष्कासन द्वारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोन का मतलब होता है एच प्लस, यानी कि ऐसा एच परमाणु जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, जो सारे इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ऐसा जो अपने इलेक्ट्रॉन देकर आया हो, खाली हो, उसको बोलते हैं प्रोटॉन एच प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये था हमारा पद दो का बना हुआ एरिनियम आयन। आप देख पा रहे हैं कि आपको ये भी ध्यान रखना है कार्बनिक रसायन में कि जहां पर भी आवेश है वो अत्यंत क्रियाशील होगा, अस्थाई होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एरिनियम आयन पे या सिग्मा संकुल पे आवेश है तो ये अस्थाई है, और प्रकृति में हर चीज स्थाई होना चाहती है, तो यहां पे एरिनियम आयन जो है ये इस H को निकालेगा और इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ये देखिए इसके यहां पे ये जो कार्बन और H के बीच एकल बंध है, सिग्मा बंध है, इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन यानी बेंजीन के जो कार्बन है इनके बीच विस्थापित हो जाएंगे और पुनः द्विबंध विराजमान हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे दोबारा से द्विबंध उपस्थित हो गया है, आ गया है, बन गया है, लेकिन इस एच का क्या होगा, इस एच के इलेक्ट्रॉन तो यहां पर चले गए हैं, अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर आएगा आवेश एच प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं बेंजीन रिंग ने। इसी समय जो हमारा बाइसल्फेट आयन था, आपने देखा था यहां पर यह था हमारा बाइसल्फेट आयन, याद कीजिएगा दो चीजें बनी, इलेक्ट्रोफाइल और बाइसल्फेट आयन, यहां पर यह बाइसल्फेट आयन ये वाला, हाँ जी ये वाला जो है अपने ऑक्सीजन, इस पे जो ऋणावेश था ये वाला, इसको ऐसे दिखाया हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसी समय इस H प्लस को जो यहां से इलेक्ट्रॉन दे के आया है, लुटपिट के आया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जब यहां पर चले जाएंगे तो इसके साथ जब बंध बनेगा तो यहां पे एक H की संख्या बढ़ जाएगी, पहले HSO4 था, अब क्या बनेगा H2SO4, और ये हमारा H2SO4 उत्प्रेरक है जो हमने अभिक्रिया के शुरू में लिया था, याद कीजिए वो दो अभिक्रियाएं, जी हाँ देखिए यहाँ पे हमने लिया था उत्प्रेरक के रूप में, तो ये वही H2SO4 है जो आपको पद तीन में प्राप्त हुआ है। तो ये थी हमारी बेंजीन सल्फोनीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि, उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।